कभी भी स्पेशल ट्रेन से ट्रैवल ना करें, अगर ट्रैवल करें तो अपने साथ सब कुछ लेकर जाए, हम की तरह गलती बिल्कुल भी ना करें। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अनदर वीडियोस। कैसे हैं आप सभी, हो भी अलग गुड। तो गाइस आज का ब्लॉग बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला, क्योंकि आज हम करने वाले हैं ट्रैवल, और वो भी ट्रेन से, और हमारा फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस होगा ट्रेन के साथ। तो आज हम आपको बताएंगे कि फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस हमारा कैसा रहा, और हम आपको भी इस जर्नी में शामिल करना चाहते हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और हम पहली बार वीडियोस देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दे एंड बेल आइकन को तो प्रेस कर ही ले, ताकि जो भी हमारे नए वीडियो जो है वो आप तक बिना मेहनत के ही पहुंच। हम पहली बार एक्सपीरियंस करने वाले हैं ट्रेन से, हमारी जर्नी है बक्सर टू बैंगलोर जर्नी। तो हम बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड है इस जर्नी के लिए, इस ट्रैवल के लिए। तो आप भी उतना ही ज्यादा एक्साइटेड के साथ इस वीडियो को देखिएगा, और हाँ भरपूर प्यार तो देना भूलिएगा नहीं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस यहाँ पर देख सकते हैं हम लोग आ गए हैं बक्सर स्टेशन पर, और यहाँ पर भीड़ बहुत था और सभी लोग अपने अपने ट्रेन का वेट कर रहे थे। हम लोग भी इसी में बैठ के वेट कर रहे थे, क्योंकि ट्रेन आने में हमारी लेट हो चुकी थी, एक घंटा लेट हो चुका था हमारा ट्रेन। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, टाइम हो रहा था और हमारी धड़कनें बढ़ रही थी, भाई ट्रेन कब आएगी कब आएगी, क्योंकि ट्रेन लेट हो जाती है ना तो फिर बैठना वेट करना अच्छा नहीं लगता। तो कुली नंबर टू एंड वन यहाँ पर हम लोग ट्रेन में बैठ गए थे, और बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा था। और सुबहानसी तो आके मोबाइल में घुस गई थी पूरा, आप देख सकते हैं। और ये रहा हमारा लगेज, जो हमने सब कुछ एडजस्ट कर लिया था ट्रेन में ही, और बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा था, क्योंकि स्टार्टिंग था ना, और देखिए सारे लोग बैठे हुए थे पर्दा लगाकर, और बहुत ही ज़्यादा मुझे अच्छा लग रहा था। और सुबहानसी तो बहुत ही ज़्यादा इन्जॉय कर रही थी, ये कहीं भी जाते हैं ना घूमने वगैरह तो बहुत ही ज़्यादा इन्जॉय करती है। यहाँ पर देख सकते हैं अभी हम लोग की जर्नी स्टार्ट ही हुई है, अभी हम लोग अपने ही शहर में हैं, तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। और यहाँ पर देखिए ट्रेन में हमें ये मिला था, ऑफकोर्स सबको पता है कि मिलता है, बट मेरे लिए फ़र्स्ट टाइम था तो मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थी। और यहाँ पर टॉवल था और पिलो कवर सब कुछ मिला था हमें। तो यहाँ पर रात के हो रहे थे 12:30, और मैं यहाँ पर बैठी थी, और बैठे बैठे मुझे एक चीज़ दिखा जो मैं आप लोग को दिखाना चाहती हूँ, और आप भी ट्रेन में आए तो प्लीज़ सतर्क रहें। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कॉकरोच निकला हुआ था, इससे पहले भी एक निकला था, बट मैंने उसका वीडियो नहीं बनाया था, मुझे लगा कुछ होगा तो ऐसे निकल गया होगा। बट इस ट्रेन में बहुत ही ज़्यादा कॉकरोच थे, और डर भी लग रहा था कान में अंदर चले जाएंगे, तो आप लोग प्लीज़ सतर्क रहिएगा कभी भी ट्रेन में आइएगा। तो फिर यहाँ पर हो चुकी है मेरी गुड मॉर्निंग, और बहुत ही ज़्यादा मतलब आप देख सकते हैं मेरे फेस से मैं टायर्ड हो गई थी, क्योंकि रात को मैं सो नहीं पाई थी। सुबहानसी को पूरा स्पेस चाहिए होता है सोने के लिए, तो मैं उसको पूरा स्पेस दी थी सोने के लिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, और यहाँ पर ट्रेन हमारी अभी रुकी हुई थी तो मैंने सोचा चलो उसको भी कैप्चर कर ही लेते हैं। फिर हमारा आ गया यहाँ पर ब्रेकफास्ट, तो यहाँ पर हमने लिया था ब्रेड ऑमलेट एंड छोला, समोसा छोला, जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, इटारसी स्टेशन से लिया था हमने। यहाँ पर आप देख सकते हैं सुबहानसी देख रही थी कार्टून। हम लोग उठ गए हैं और सुबह के हो रहे हैं 9:30, हमने नाश्ता वगैरह कर लिया है, यहाँ पे सुबहानसी देख के कार्टून देख रही है। सुबहानसी को थोड़ा सा फीवर हो गया, तो थोड़ा सा हमें प्रॉब्लम हो रहा है, क्योंकि बच्चों को फीवर हो जाता है तो हम ना सोते हैं ना कुछ, रो रही थी है ये। और हम लोग अभी इटारसी ही पहुँचे हैं, हाँ ट्रेन एक घंटा लेट हो चुकी है हमारी, मतलब थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है ट्रेन में, ट्रेन में पहली बार सफ़र कर रहे हैं, प्रॉब्लम भी हो रहा है, बट कोई नहीं, अच्छा भी लग रहा है। अभी दिखाते हैं हम बाहर का क्या व्यू है यहाँ का, क्या बोलो हमें फीवर हो गया है। देखिए सुबहानसी का एकदम चेहरा उतर गया है, ये देखिएगा इस बाहर का व्यू, सिर्फ सूखे पत्ते दिख रहे हैं यहाँ पर, और कुछ नहीं दिख रहा, मतलब इधर तो कुछ दिख ही नहीं। सुबहानसी बैठी हुई है, और यहाँ पे सुबहानसी का सब खाने पीने का सामान सब हमने भर लिया है। यहाँ पर हमारे सारा जो खाने का सामान है वो है फ्रूट्स वगैरह है, इधर हमारा लगेज है, इधर भी हमारा लगेज, फ्रूट सब हमारा। इधर देखिए कर्टन लगा हुआ है, तो हमारा एक कूप जैसा बन गया है, मतलब सेकेंड एसी में फर्स्ट एसी का मज़ा लिए हैं हम लोग, बहुत ही अच्छा लगा। बस थोड़ी सी सुबहानसी की तबीयत ख़राब हो गई, तो हमें प्रॉब्लम हो रही है, और कोई बात नहीं, तबीयत भी क्या ख़राब हुई है, बस वो फीवर हो गया है और कुछ नहीं हुआ है। तो अभी मैं जा रही हूँ सुबहानसी को मेडिसिन देने, तो सुबहानसी सही हो जाएगी ना, ठंडी भी लग रही है। यहाँ पर देख सकते रहे मैं आइसक्रीम का वीडियोस बना रही थी, क्योंकि सुबहानसी जिद करने लगी आइसक्रीम वाला आया था, तो आइसक्रीम आइसक्रीम, इसको आइसक्रीम बहुत ही ज़्यादा पसंद है,
तो यहाँ पर देखिए सुबैंसी आइसक्रीम खा रही है, मैं भी सोची मैं भी खा लेती हूँ, तो मैंने भी खाया। पतिदेव नहीं खाए क्योंकि उनको ये वाला फ्लेवर अच्छा नहीं लगता, तो मैं और सुबैंसी यहाँ पर देखिए मज़े से बैठ के खा रहे थे। तो गाइस अभी हम लोग नागपुर स्टेशन पर रुके हुए हैं, अभी हमने यहाँ पर खाना ऑर्डर किया था, हमारा खाना भी आ चुका है और सो के उठ के हम लोग स्टेशन यहाँ पे हमारा खाना, यहाँ पे सुबह लो समोसा खा लो। ये देखिए हमने नागपुर से लिया है समोसा, खा रहे अपना ये जा रही हूँ मैं खाने के लिए। अभी मैं खाना भी खाना यहाँ पे रखा हुआ है। आओ सुबैंसी, ये देखो न्यू केचप आया है। आओ सुबैंसी। तो गाइस ये देखिए आ गया हमारा खाना, हमने ऑर्डर किया था पनीर की सब्जी एंड बिरयानी और यहाँ पे रोटी है और ये हम घर से लेके आए थे। देखिए सुबैंसी ने फोन उधर फेंक दिया है, तो अब निकालना पड़ेगा। चलो हटो हटो, पीछे हटो कि तो ना निकलेगा बदमाश लड़की। कहाँ है, कहाँ है? नीचे ही गिर गया है, नीचे ही गिर गया लग रहा है, इसमें तो नहीं। तो यहाँ पर हम लोग कर रहे थे डिनर, क्योंकि सुबैंसी को दाल चावल खिलाना था इसलिए हमने वेज थाली ऑर्डर किया था। बिल्कुल भी तीखा नहीं था, मॉर्निंग वाला इतना तीखा था कि सुबैंसी नहीं खा पाई थी, तो हमने इसलिए वेज थाली ऑर्डर कर लिया। तो गाइस आज है हमारा दूसरा दिन और आज सुबैंसी सो के उठ गई है और रो रही है। देख लीजिए आप लोग, मिल्क तो बिल्कुल भी नहीं पी है, दो दिन के तीन दिन के रास्ते में थोड़ा भी इसने मिल्क नहीं पिया और यहाँ पे चाय पी रहे हैं। हमको तो कुछ पूछा भी नहीं है, तो सब लोग जग गए हैं, हम लोग भी जग गए। बाहर धूप हो रखी है, इधर आप मामा को नहीं आ रहे। देखिए सुबैंसी उठ गई और बाहर बहुत ही तेज धूप हो रखी है, मतलब ऐसा लग रहा है ना पूरी आँखों में जा रही है, पर अच्छा भी लग रहा है थोड़ा थोड़ा। दो दिन से धूप ही नहीं देखा था हमें सुबैंसी। और हमने ब्रश व्रश कर लिया है, सुबैंसी तो अभी शोक उठी तो सुबैंसी ने ब्रश नहीं किया, या मतलब सुबैंसी तो दो दिन से ब्रश नहीं किया। ये देख, तो गाइस आज हमारा लास्ट डे है ट्रेन, और हमारी ट्रेन 3 घंटा लेट हो चुकी है जिसकी वजह से हम लोग पहुँचेंगे लेट घर पे। उधर सब सही था, इधर आके लेट हो गया, सब अंकुर की नज़र लगी हुई है, उसी ने बोला था। बस यहाँ पर मैं रेडी हो गई हूँ, क्योंकि आज मैं रेडी इसलिए हो गई क्योंकि आज हम लोग पहुँच जाएंगे। और यहाँ पर देखिए सुबैंसी बैठी हुई है, और ना आप लोग भूल कर कभी ना स्पेशल ट्रेन से कभी भी ट्रैवल नहीं करिएगा, क्योंकि इसमें खाने पीने का कुछ भी नहीं मिलता। हम लोग तब से भूखे हैं, पर्दा सिर्फ चिप्स खाकर और सुबैंसी का फ्रूटी पीकर आप रख दिए क्या? लो दे क्या फिर इसमें कैटरिंग की भी सुविधा नहीं है और ना ही कुछ बेचने वाले आ रहे हैं, तो हम लोग तीनों लोग ऐसे बैठे हुए हैं। जो चिप्स वगैरह तो सब खाते हैं, उन लोगों ने भूख मिटाया और अभी स्टेशन आएगा 10 बजे, तो वहाँ पे देखे क्या कुछ मिलता है। स्टेशन बहुत दूर दूर है, इधर आके उधर तो पास में ही था, बट इधर बहुत दूर दूर रुकने वाले होते हैं। तो कभी भी स्पेशल ट्रेन से ट्रैवल ना करें, अगर ट्रैवल करें तो अपने साथ सब कुछ लेकर जाए, हम लोग की तरह गलती बिल्कुल भी ना करें। तो चलिए देखते हैं स्टेशन आता है फिर आपको दिखाते हैं वहाँ पर क्या मिला है। तो वैसे ही देखिए इतना सारा अच्छा व्यू, इतना ज़्यादा। ओ पापा डर गए। ओ नो 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 नो, गिरना मत बेटा, पापा को डरा दो। सुन टाइम पास नहीं हो रहा ना सुमित जी। तो गाइस ये देखिए हमें स्टेशन पे मिला ये समोसा और ये है नीचे एक बिरयानी और ये पेरम्बूर स्टेशन खत्म यहाँ पे देखिए यहीं पे हमको मिला ये। तो बहुत दूर और बहुत तेज भूख भी लग गया हम लोगों को, तो चलिए पहले खा लेते हैं फिर मिलते हैं। यहाँ पे सुबैंसी गेम खेल रहे हैं, यहाँ पे ये जा रहे हैं हैंड वॉश करने के लिए और मैं चलिए भाई स्टार्ट करने, क्योंकि मुझे लगे तो वैसे मुझे लगी है भूख, तो सबसे पहले मैं खाऊंगी फिर वीडियोज़ बनाऊंगी। अब वीडियोज़ मैं जब पहुँचूंगी तो ही बनाऊंगी, क्योंकि हमारी ट्रेन 3.5 घंटा लेट हो गई है, तो लेट से ही पहुँचेंगे, तो मैं जाके वहीं पर वीडियोज़ बनाऊंगी। तब तक फोन अपना चार्ज में लगा देती, पहले खा लेती हूँ फिर मिलती हूँ। तो वैसे देखिए मेरे पति देव मेरे लिए मेहनत कर रहे हैं वीडियोज़ बना रहे हैं, मैं आराम से सो रही हूँ खा के सुबैंसी। तो गाइस देखिए मुझे उस चीज़ उससे पेट नहीं भरा, तो एक और मैंने ले लिया यहाँ पे बिरयानी, क्योंकि मेरा पेट नहीं भरा था, सुबैंसी भी खा ली थी मेरे में से, तब मैं फिर से आ रही हूँ यहाँ पे खाने के लिए। तो गाइस अभी 5 मिनट में हम लोग पहुँचने वाले हैं, सामान हम लोग एक जगह रख रहे हैं ताकि हम लोग उतर जाएँ। सुबैंसी की खुशी, सुबैंसी को पता चल गया कि हम उतरने वाले हैं, मैं खा लिया थी सुबैंसी को पता चल गया ना कि हम लोग उतरने वाले हैं। पापा जा रहे हैं, पापा सामान निकाल रहे हैं ना, सुबैंसी के सारे सामान से छूट जाएगा। पापा आ रहे हैं, बाबू
तो चलिए अभी उतर जा रहे हैं, फिर आपसे मिलते हैं। ये देखिए ये है कौन सा पिक्चर सर, पता नहीं कौन सा, किरारपुरम, ऐसा सॉरी किरारपुरम। और जो हमें उतरना है वो लास्ट स्टॉपेज है, वहीं पे रुकेगी ट्रेन बहुत देर तक, तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हटे हैं तो ये देखिए हमने सामान अपना एक जगह रख लिया है और वहाँ पे दो है, बस यही है हमारा सामान। अब हम लोग उतर जाने वाले हैं। तो वैसे यहाँ पर हम लोग देखिए उतर गए हैं, मेरे हस्बैंड वहाँ से सामान लेके आ रहे हैं बस। और ये नया बना है, अच्छा बन गया यार प्लेटफॉर्म। यहाँ पर देखिए लिफ्ट के लिए लाइन लगी हुई है, यहाँ पे हम लोग वेटिंग में बैठे हैं। बनाए तो थे तो यहाँ पर हम लोग स्टेशन से बाहर निकल गए थे और हमने अपना कैब बुक कर लिया था, थोड़ी देर में कैब आने वाली थी तो यहाँ पर मैं वीडियोस बना रही थी। और यहाँ पर हम लोग देखे कैब में बैठ गए थे, हमने सारा सामान सेटल भी कर लिया था, ज़्यादा सामान होने की वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई बट कोई नहीं। इसके बाद हम लोग देखे एकदम रिलैक्स बैठ गए हैं और जा रहे घर। तो वीडियो कैसा लगा कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।